सगे बाप की नहीं हुई, वो धुंधकारी की क्या होती। लेकिन वो धुंधकारी उनके माल चाल में ऐसे फंस गया, अब बेचारे को बिल्कुल उनके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगा। सगे बाप की नहीं हुई, पैसा पास होता है रिश्ता खास होता है, और पैसा पास नहीं होता तो चेहरा भी उदास होता है। आपने देखा होगा जहां पर गरीबी होती है वहां किसी का सम्मान नहीं होता। पैसा पास में है दुनिया सलाम करती है, सम्मान भी होता है महाराज। और पैसा यदि पास नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता, भाई भाई का नहीं होता, रिश्तेदार सब पीठ दिखा देते हैं, लेकिन गरीबी में कोई किसी का नहीं। इसका दर्द इसका आनंद तो वही जानते हैं जिस गरीबी की गली से गुजर के आए हैं। और हम किन की कहें गरीबी की गली से, हम खुद ही गुजर के आए, हम जानते हैं इसमें कितने कांटे हैं, कैसा लगता है इसमें चलने से। लेकिन सब लोग प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करो, इस जिंदगी का कोई पता नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दान करने से बहुत डरते हैं, डर लगता है। तुम्हें बता दूं थोड़ी देर के लिए, दान करने से इतना डर लगता है परिचय जी कि पत्नी यदि जबरदस्ती दान करवाए तो पति नहीं करना चाहता, और पत्नी समझदार आ जाए तो पत्नी कहती है क्या कर रहे हैं, अरे कुछ तो हम लोग खेत में काम करें, ये हमारे लिए नहीं है, हम महल कोठी मकान बनाएं, ये हमारे लिए नहीं है, हो सकता है बना पाए और तब तक खत्म हो जाए। मेरी माँ, हम लोगों को वो खेती करनी चाहिए जो मरने के बाद भी हमारे लिए काम आ सके। बाप का भूखा हूं मैं और बाप ही सब सार है, बाप से मुझको पुकारे उसका बेड़ा पार है। बात नहीं करते लली, ए कथा आने, अरे ये पीछे का देखा थे, भगवान कहते हैं मैं तेरी धन दौलत का भूखा नहीं, मैं तेरे दिल के भावों का भूखा हूं, क्योंकि दिल मैंने बनाया है। अंत पंक्ति में कहा कि भाव बिन सुनी।